आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि सिद्ध कीजिए ए वास्तविक संख्या का दशमलव फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक स्वतंत्र होता है। बी का सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलन अपने परिभाषा प्रांत में स्वतंत्र है, यानी एक टैन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। इसमें हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला भाग जो है ए का, इसमें क्या होगा एफ ऑफ एक्स का बराबर रहेगा एक्स के फैक्टर के साथ। मान लेता है सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है और इस सी संख्या को हम लोग को यहाँ पर फलन में क्या होगा स्वतंत्र ये करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा देखिए, तो सी वास्तविक संख्या यानी इसमें से लिख सकते हैं हम लोग फलन सी का बराबर सी होता है, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी का एक्स, यानी सी का मान बैठाएंगे तो यहाँ पर सी आएगा। ये जो हुआ है यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक एल एच एल होगा यानी माइनस होगा यहाँ पर बाम पोको सीमा, और आर एच एल में क्या जाएगा यहाँ पर देखिए क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, माफ कीजिएगा प्लस होगा एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स, यानी इसका भी मान सी आएगा। देखिए दोनों का मान सी आ रहा है, यानी दोनों क्या हो रहा है स्वतंत्र हो रहा है, यानी यहां से बोल सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स स्वतंत्र है कोई x का इक्वल टू c में, यानी कोई भी वास्तविक संख्या में स्वतंत्र है, इसी का मान से हम लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग में क्या पूछा है, यहाँ पर भाग b में पूछा है फलन अपने परिभाषा प्रांत में स्वतंत्र है, यानी tan x sec x cos x के बारे में पूछा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूसरा भाग यानी b भाग में यहाँ पर पूछा है क्या, बी भाग में देखिए पहले मैंने मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स का बराबर क्या होता है जो दिया हुआ है, जो पहला जो पड़ा है या यानी यहाँ पर क्या था, पहले टैन एक्स था, माफ कीजिएगा पहले टैन एक्स था, कॉस एक्स था नहीं, यानी इसका पहला पार्ट रहेगा टैन एक्स। टैन एक्स को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं पहले वो देखते हैं। टैन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यानी टैन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स आते हैं। इसी का जो हम लोग का क्षेत्र होगा यानी डोमेन जो होगा यानी इसका बराबर होगा, यहां पर देखिए कॉस एक्स कब जीरो होता है यानी पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो रेंज रियल नंबर का वास्तविक संख्या आर आर माइनस टू एन जोर वन बटे टू बराबर पाई, यानी कोई भी अयुग्म संख्या जो रहेगा उसी का जब ये रहेगा वो नहीं होगा, उसी को छोड़कर सब होगा, क्योंकि यहाँ पर अयुग्म संख्या होने से क्या होगा कॉस का मान जो आएगा, यानी देखिए कॉस पाई बाई टू का मान शून्य का बराबर होगा जितना सारा अयुग्म संख्या होगा। तो यहां से मान लीजिए कोई एक संख्या का हम लोग क्या करेंगे ये
करेंगे, सीमा जांच करेंगे, यानी यहां से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x का बराबर आएगा लिमिट a टेंस टू जीरो, यानी साइन a जोड़ a बटे कॉस a जोड़ a, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा लिमिट a टेंस टू जीरो, इसको हम लोग एक सूत्र प्रयोग करें यानी साइन a प्लस b का क्या होता है, देखिए साइन a कॉस h जोड़ कॉस a साइन h बटे कॉस a कॉस h माइनस साइन a साइन h, इसी एज का जो मान रहेगा, एज का बैठाते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी साइन ए कॉस शून्य, यानी इसका मान होगा एक जोड़ और कॉस ए, यानी कॉस ए रह जाएगा और साइन शून्य का मान रहते शून्य बटे, यहां पर क्या होगा देखिए, यहां पर आएगा कॉस ए कस शून्य का मान एक रहेगा माइनस साइन ए और साइन शून्य का मान शून्य, यानी यहां से रहेगा साइन ए बटे कॉस ए यानी टेन ए। तो यहां से हम लोग लिख सकते इसको इस तरह, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का मान बराबर फलन एफ ऑफ ए होगा, यानी एफ ऑफ एक्स स्वतंत्र कब हो रहा है यहाँ पर इसका, तो टैन स्वतंत्र होगा, तो टैन एक्स दिया हुआ था यहाँ पर टैन एक्स स्वतंत्र है एक्स बराबर ए पे। यहाँ पर दूसरा जांच करूंगा टैन का छोड़ के क्या है सेक और कोसेक है, तो सेक में क्या होगा देखिए, दूसरा में दिया हुआ है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स यानी सेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटे कॉस एक्स, तो इसका जो क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा आर माइनस एक्स आर माइनस जो रहेगा, यानी देखिए यहां पर भी सेम जैसा आ गया, यानी यहां पर भी कॉस आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब n का जो x का जो मान रहेगा पाई बाय 2 रहेगा, तो एक बटे शून्य आ जाएगा इसमें, उसमें क्या हम लोग का मान कोई नहीं निकलेगा, इसलिए ए वाला नहीं होगा, इसी को छोड़ के होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यानी कि सीमा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटे लिमिट, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट a टेंस टू जीरो, यानी एक बटे कॉस a जोर h, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते देखिए, तो लिमिट a टेंस टू जीरो, यानी यहां पर भी देखिए क्या होगा कॉस a प्लस बी का सूत्र प्रयोग, यानी कॉस a कॉस h माइनस साइन a साइन h, इसी का मान यहां पर बैठाएंगे तो क्या होगा देखिए, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा एक बटे कॉस a एक माइनस शून्य, यानी एक बटे कॉस ए यानी सेक ए। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए का
बराबर आएगा एफ ऑफ ए के बराबर, यानी यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग सेक ए स्वतंत्र है एक्स बराबर ए पे। सेम जो होगा उसी जो यहां पर पूछा है और कोसेक एक्स के बारे में, यानी एफ ऑफ एक्स बटे माफ कीजिए बराबर कोसेक एक्स, इसको हम लोग लिख सकते एक बटे साइन एक्स। तो यहां पर क्या होगा देखिए, यहां पर जो डी का मान रहेगा इसका किसका बराबर होगा, जो डी का मान रहेगा यानी आर माइनस एक्स इसका यहां पर जीरो नहीं होगा यानी शून्य नहीं होगा, यानी आर इसका नहीं होगा साइन एक्स बराबर शून्य, यानी एक बटे शून्य हो जाएगा तो इसमें हम लोग का मान नहीं निकल आएगा, इसलिए तो इसको हम लोग लिख सकते और एक तरीका है माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट आर यानी एक्स बराबर एन पाई नहीं होगा। तो यहां पर मान लेते ए एक वास्तविक संख्या है तो उसी जैसा होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एक बटे साइन एक्स आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यानी एक बटे साइन ए जो एच आ जाएगा, यहां पर क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक बटे यानी साइन ए कॉस एच जोर कॉस ए साइन ए यही आएगा। इसमें मान हम लोग बैठा जाते एच का, इसमें क्या आएगा देखिए एच का मान बैठाएंगे तो यहां पर कॉस एच यानी वन हो जाएगा यानी साइन ए वन जोर कॉस ए माफ कीजिएगा यहां पर क्या होगा इसका मान शून्य होगा, यानी यहां से लिख सकते एक बटे साइन ए यानी कोसेक ए। तो हम लोग कोई वास्तविक जो संख्या है यानी यहां से लिख सकते लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, यानी इसका मान एक्स का जाके बस सभी जगह पे देखे बैठेंगे तो एक ही जैसा है, यहां पे लिख सकते यानी कोसेक एक्स स्वतंत्र है एक्स का मान ए पर। अरे यहां पर पूछा था जो कौन सा स्वतंत्र रहेगा क्या, ए होगा इसका उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।